तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो अभी हमने फिलहाल माइनक्राफ्ट की सारी सीरीज़ को बंद करके एकदम एक नई फ्रेश सीरीज़ को चालू करा है, और इस सीरीज़ का नाम मैंने कुछ खासा भी सोचा नहीं है, लेकिन हम इसे बोलेंगे माइनक्राफ्ट लेट्स प्ले सीजन 2। आई थॉट सो वो अच्छा रहेगा। और अभी तुम लोग देख सकते हो कि मैं एक कमरे में हूँ जो कि ज़मीन के अंदर है, देख सकते हो तुम ज़मीन के अंदर। ओके और आई थॉट सो कि अभी रात हो रही है तो हम जल्दी से सो जाते हैं। ओके रात नहीं हो रही या फिर रात होने वाली है, तो मैं अभी तुम्हें सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा थोड़ी ही देर से। मैं फ़िलहाल एक विलेज में हूँ जहाँ पे मैंने अपना खुद का एक घर बना लिया है यहाँ पे फ़िलहाल तो। और इस घर के नीचे अपन सारी चीज़ें करने वाले हैं, और मैंने अपना टेक्सचर पैक भी पूरा चेंज कर लिया है। उसका ये टेक्सचर पैक की लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे हमने कैद करके रखा था एक जॉम्बी विलेजर जो कि गायब हो गया। हेलो कहाँ है वो? अरे उसको क्योर करने के लिए रखा था, तुम लोग कहाँ ले गए उसको? सर आपको पता है जॉम्बी विलेजर कहाँ है? पता है? हाँ कर रहे हो लेकिन पता नहीं है। हूँ कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और ये वो विलेज जहाँ पे अभी अपन ने स्टार्ट करा है। मैंने थोड़े बहुत बेसिक सा सामान है वो सब गैदर कर लिया है, और आज की इस वीडियो में अपन अपने कमरे पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो कमरे में काम करेंगे, और उसके बाद हाँ वैसे तो अभी अपन बेस के ऊपर ही काम करने वाले हैं पूरा, क्योंकि बेस कंस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है। और इस टेक्सचर पैक को भी थोड़ा सा एडिट करना है क्योंकि इसमें सॉर्ट बहुत छोटी है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे बहुत माइनिंग करी है, स्मूथ सैंड स्टोन बनाया, बहुत ग्राइंड करा 2 दिन। ओके तो अभी बर्च वुड से तो अपन अपना प्लान है, मतलब इसकी फ्लोरिंग का। और सीलिंग के लिए अपन यूज़ करने वाले हैं येलो कंक्रीट। तो अभी वो सब मैं गैदर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारी पुरानी सीरीज़ थी क्लैशिंग लैंड्स वाली, तो वो तो मैंने बंद कर दी है फ़िलहाल। मतलब फ़िलहाल तो नहीं, मतलब हमेशा के लिए बंद हो गई वो वाली सीरीज़, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, और वो थोड़ा सा मतलब उस वर्ल्ड में ग्लिचेस भी ढेर सारे आ रहे थे। और उसमें मतलब अपन जैसे कि विलेजर्स को मैंने रख रखा था, तो वो डेली है ना 5 डी स्पॉन हो रहे थे डेली 5-5 की संख्या में। और अपडेट से पहले मतलब अपडेट के बाद तो ये सब ठीक हो गया, लेकिन फिर मेरा मतलब मन उठ गया उस सीरीज से। और एक जॉम्बी वही विलेजर को मार रहा है, विलेजर कहाँ है? ओके तो आज की तुम्हें शायद तक साउंड क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी लगे, क्योंकि मैंने थोड़ी सी और मेहनत करी इस पे और थोड़ी बहुत टेस्टिंग करें, तो हाँ बस उससे ही मैंने साउंड क्वालिटी और ठीक कर दी है। तो अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए ग्राइंड पे जाने वाला हूँ रिसोर्स गैदरिंग के लिए। ओके क्योंकि हमें इसको ख़त्म करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक शॉर्ट टाइम लैप्स नहीं तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। The next morning. और ये लास्ट पीस भी हो चुका है दोस्तों, और हमारा मल्टी फंक्शनल हॉल तैयार है। तो यप इसकी जो रिसोर्स गैदरिंग है उसके लिए मेरे को बहुत दूर जाना पड़ा। लिटरली तुम देख सकते हो मैं कितनी दूर गया था, इस जहाँ तक ये बना है वहाँ तक मैं जा चुका हूँ अभी तक। ओके तो ये जो तुम्हें कोने पे दिख रहा है यहाँ पे, ओके जिस तरफ ये नज कर रहा है उस तरफ ओक और बर्च था, तो बस वहाँ पे अपन गए और अपन ने करा। और ये तुम सोचो कि ये क्यों है, तो मैं अभी बता देता हूँ। तो लैडर की एक बार रेसिपी देख ही लेते हैं। आई थॉट 6 स्टिक्स, ओके 7 स्टिक्स पड़ती है।
जल्दी से ढेर सारी स्टिक्स बना लेते हैं। ओके, तो मैं पेंटिंग भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को पेंटिंग की अभी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। और रुको, लैडर्स बस इतनी चाहिए, और हमें चाहिए थोड़ी सी एसेसिया वुड। नहीं, एसेसिया नहीं लेंगे। तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से सीधे एंट्री पॉइंट है। ये हो गया। ओके, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो इसमें हम कुछ बदलाव नहीं करेंगे। ओके, कम ऑन। नहीं, एक्चुअली में गलत जगह लग गया। ओके, कोई एक्सपोज नहीं करेंगे हम हमारी छत को, कि वो कैसे सिर्फ स्लैब से बनी हुई है और यहाँ यहाँ के इससे भी ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा हो गया है। मैं एक और लैडर चाहिए बदकिस्मती से। ये मैनेजेबल है। आई थॉट एक लेडर और ऐड कर देते, थोड़ा सा ऑड लग रहा है वो। और एक ओक का ट्रैप डोर, की एसेसिया का डालते हैं, तो वो आई थॉट सो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि ये वाले टेक्सचर्स भी अलग है, तो इसमें तो मैं सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट दिखने वाली है। जैसे कि ये ट्रैप डोर, ये पहले यहाँ पे थे, इसमें छेद है ना, पहले इसमें थे, आई थॉट वुडन बार्स लगी हुई थी, लेकिन अब इसमें एक मिरर है जिसके अंदर से मैं आर पार हो सकता हूँ। नहीं, क्यों आर पार नहीं होना चाहिए? अब देखते हैं। हाँ, नहीं हो सकते। ओके, तो ये तो बस एक दिखावा है। यहाँ पे हम एक ही चेस्ट रखेंगे और एक बेड रखेंगे। ओके, ताकि विलेजेस को पता नहीं चले कि मैं यहाँ पे क्या सीक्रेट काम कर रहा हूँ, कि मैं उनके गांव को कैसे खोखला कर दूंगा। तो अभी हमने हमारा मल्टीपर्पस हॉल स्लैश हमारा जो रूम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है एकदम अच्छी तरीके से। तो अब बात आती है कि हमें ये सब प्लेसमेंट करनी है यहाँ पे, जिसके लिए मेरे को लीव्स लानी पड़ेगी एक स्टैक। मैंने यहाँ पे दो आयरन बार रखी हुई थी, दो नहीं 15 रखी हुई है। तो अपन जल्दी से एसेसिया लीव्स को ले आते हैं। आई होप सो ये काफ़ी हो। और थोड़ा बहुत खाना खाने को यहाँ पे रख देते हैं पकने के लिए। रात हो गई, बहुत बढ़िया, जैसे एक्सप्लोरेशन पे जा रहे वाले थे, रात हो गई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो फार्मर, हाउ आर यू? कितने ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ पे? कितने हो तुम लोग? तू तो आते आते ही मर गया, शर्म कर ले थोड़ी। ओके, मर गया रे बाबा। ओहो स्पाइडर, डरा दिया तुम्हें तो। बेचारी स्पाइडर्स विलुप्त हो रही हैं आजकल बहुत, है ना दोस्तों, विलुप्त हो रही हैं आजकल स्पाइडर्स। मैं घर के पास वाले पेड़ों पे तो नहीं करूँगा। घोड़ा, ओए हाँ, मर जा भाई यार। ये ना डेजर्ट में रह के गलती कर दी मैंने, यहाँ के एक तो ये है ना मरते नहीं है।
ओके, पत्तियाँ पत्तियाँ नहीं छोड़नी है। मैप कहाँ है? कौन से लेवल का मैप है? 3 out of 4। उप्स, यहाँ पर हूँ, मेरा विलेज यहाँ पर है। देखा, मेरे को मैप पढ़ना था, ये तो पीछे ही था। फालतू में मैप ले आया। और अभी पत्तियाँ इकट्ठी कर ली हैं, थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लेते हैं विलेज का। विलेज का डेकोरेशन, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉल। ओके, विलेज का नहीं, विलेज का डेकोरेशन अपन बहुत बाद में करेंगे, क्योंकि अपन को भी ये मतलब एक मॉडिफाइड सिटी टाइप बनाना है, जिसका नाम मैंने सोचा है किंगस्टन। ओके, कहाँ से शुरू करें? मेरे पास कोई आइडिया नहीं है अभी इसको सजाने का। एक बार देखूं, ऐसे कितने ब्लॉक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ब्लॉक्स है। रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। 4 वहाँ पे, 4 वहाँ पे, बीच में जो आएगा। हाँ, थोड़ा सा पार्टीशन टाइप रखे बीच में। सोच रहा हूँ अभी तो ये टेम्पररी है। ओके, और इनके नीचे मैं सोच रहा हूँ कि मैं टॉर्चेस रखूँ। कैसा आइडिया है? ओके, तो अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। ओके, सो अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ कि मैं इस रूम में लीव्स का इस्तेमाल कैसे करूँ। मैंने सोच तो रखा है बहुत कुछ लीव्स का इस्तेमाल करने के बारे में। ओके, सोच रखा है मैंने थोड़ा बहुत खुद से भी, और मैं थोड़ा बहुत अपने व्यूवर्स के हिसाब से भी इसको रखना चाहता हूँ इस बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं और मेरे ऑडियंस एक साथ इंटरेक्ट करके इस वर्ल्ड को बहुत अच्छा बनाए। तो मैं अभी रेगुलर एपिसोड लाता रहूँगा सीज़न 2 माइनक्राफ्ट लेट्स प्ले सीरीज़ के। बने रहिए हमारे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। My back. Ooh.